रेसिंग कार की दुनिया में फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी दिग्गज कंपनियों का एक छत्र राज चल रहा है। भारत में अभी तक कोई भी ऐसी कार नहीं बनी है जो इन्हें टक्कर दे सके, लेकिन टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में अपनी पहली रेसिंग कार से पर्दा उठाया जो फरारी और लैम्बोर्गिनी को कड़ी टक्कर देगी। देसी कंपनी टाटा अब दिग्गज विदेशी रेसिंग कार निर्माताओं से टक्कर लेने की तैयारी कर चुकी है। हाल ही में संपन्न हुए ऑटो एक्सपो में टाटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक रेसिंग स्पोर्ट्स कार टाटा रेसमो प्लस पेश की। इस कार को सबसे पहले 2017 जेनेवा मोटर शो में पेश किया गया था। हालांकि तब इसका पेट्रोल इंजन मॉडल पे शक किया गया था। टाटा रेसमो का इंजन इसके पिछले हिस्से में है। यह कंपनी की तरफ से बनाई गई पहली ऐसी टू डोर स्पोर्ट्स कार है। इस कार को इटली में कंपनी डिजाइन स्टूडियो में तैयार किया गया है। टाटा रेसमो प्लस फुल चार्ज होने के बाद 350 किलोमीटर चलती है। इस कार में 6 स्पीड अंट गियरबॉक्स है। कंपनी का दावा है कि यह कार सिर्फ 6 सेकंड में 0-100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। कार में फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है। यह कार 4 मीटर से कम लंबी है और इसका मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर का है। टाटा मोटर्स की यह कार 2 सीटर है। इस कार में क्लाउड कंप्यूटिंग, एनालिटिक्स, मैपिंग जैसी टेक्नोलॉजीज गन कट होंगी। टाटा मोटर्स ने अभी टाटा रेसमो और इसके इलेक्ट्रिक वर्जन के लॉन्च करने की तारीखों का खुलासा नहीं किया है।